मतलब कोई टॉप शॉप वाला कोई डिस्टिंक्शन वाला सीन है यहाँ पे तो पास के निकलाने पड़े I will be. So now we are finally free with Vidwansi after 2 years. Yeah, no more guys, no more Vidwansi. क्या हो रहा है? इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं. क्या पता क्या अपने हमारे लिए आपने किस बात की परंतु किस बात की पूरी बात. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला पोस्ट एग्जाम वाइवा था ऑस्पिटी ऑफ एनाटॉमी इज डन. नाउ इंशाल्लाह आई एम गोना प्रिपेयर फॉर माय सेकंड वन व्हिच इज फिजियोलॉजी 3 days अराउंड इन विच आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ स्टफ ऑफ फिजियो. शाम के 5 बज रहे हैं और आज मैंने सिर्फ रात को फिजियो प्रैक्टिकल करने उसकी नोटबुक मेरी कुछ रहती है बनाने वाली तो मैं सिर्फ वो बनाऊंगी. And then the other stuff I will be doing tomorrow, the next day and so on. इस वक्त रात के बल्कि शाम के 6 बज रहे हैं और I am heading to get some sleep. And look at this one light. It is my favorite one. It is my favorite light. And it is a street light. सो इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं. मैंने बनानी है प्रैक्टिकल कॉपी. टुक अबाउट मे बी 3 to 4 hours. और द थिंग इज मुझे ना पेंसिल मिल रही थी ना शार्पनर और ना ही रेजर मिल रहा था जस्ट बिकॉज यू नो अब इस टाइम हम लोग सिर्फ पेन और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें ढूंढना मुश्किल होता है. और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पेंसिल तो मुझे मिल गई, शार्पनर मुझे मिल नहीं रहा था. सो आई वॉज थिंकिंग वाई नॉट टू यूज़ दिस कटर और इससे इसको शार्प करके कुछ इस तरह करके यूज़ कर लूँगी. ये तो मेरे प्रॉफ की है और ये रेज़र मैंने पता नहीं कहाँ से निकाला है इतना पुराना. सो ये मसला तो सॉल्व हो गया. अब दूसरा मसला मैं आपको बताती हूँ. ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं और मुझे लगता है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फर्स्ट एवर 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 टाइम कि मैंने ना पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने पूरे प्रॉफ की तैयारी बेड में बैठ के की है. मैंने स्टडी टेबल यूज़ नहीं किया और मुझे होता था कि मतलब कभी भी मेरे से बेड में नहीं पढ़ा जाता जस्ट बिकॉज नींद आ जाती है बैठा नहीं जाता वट एवर सो मैनी थिंग्स यू नो. और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ अच्छा पढ़ा जा रहा है और स्टडी टेबल पर नहीं पढ़ा जा रहा. और जो स्टडी टेबल है ना वहाँ पर मुझे सर्दी बहुत लगती है और द रीज़न इज़ टेम्परेचर यू नो +6 +5 something is this. So that was the reason. And the third thing is पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है. I'm eating too many snacks. मतलब I'm not a snack person. मैं personally इतना नहीं prefer करती but ये उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ गंद डाला हुआ. सारा मैंने ना साफ़ करना है और साथ मैंने अब अपनी प्रैक्टिकल कॉपी शुरू करनी है which is this one. You can't even believe मैंने आई थी 1-2 दिन मैंने ना लगाए थे तो मुझे याद पड़ता है कि इट वाज अ स्टार्ट ऑफ सेशन और समथिंग लाइक दैट ना. तो उस वक्त अब मुझे फील हो रहा है कि आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड्स कि हाँ मैंने तो सारी बना ली हुई है मेरे पास दो तीन रहते हैं प्रैक्टिस क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी. और जब मैंने अभी आके खोला तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने बनाई ही 2-3 हैं बाकी सारे बनाने वाले पड़े हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है और मेरी कोशिश है कि इसको मैं समहाउ कम्प्लीट करूँ. एंड वैसे उठी मैं 12 बजे थी, मैंने खाना खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी और नाउ आई एम एक्टिव राइट नाउ. इसको मैंने ख़त्म करना है कल. अगर आपने मेरा कोई पिछला काफ़ी पुराना व्लॉग देखा हो तो आपको याद होगा कि ये वाली कॉपी मैंने उस टाइम उसमें बनाई थी बेसिकली स्केच बुक. और इसके भी शायद मार्क्स होते हैं 5 से 10 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है इसकी मुझे टेंशन नहीं है. जब उस टाइम मैं बना रही थी ना स्टार्ट ऑफ सेशन था मतलब लाइक आई थिंक मई था और कुछ इस तरह का टाइम था. अभी तो खैर 2024 का जैन शुरू हो गया. सो जब मैं उस टाइम बना रही थी ना तो मुझे होता था कि यार ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मुझे सर्कस वगैरह का नहीं पता चल रहा था. और अब जब मैंने इतनी एनाटॉमी पढ़ ली मुझे पता चल गया अच्छा ये वो था. उस टाइम तो मैं बिल्कुल ऐसे बना रही थी आई रियली डोंट इवन हैव द आइडिया व्हाट वाज दैट जैसे ये और ये सारा. सो शुक्र है एक अच्छा काम मैंने किया हुआ है. ये मेरी ऑलरेडी बनी हुई है एंड द सेकंड वन इज दिस आई हैव टू. टुडे इज फाइनली संडे एंड नाउ आई गॉट द टाइम टू स्टडी.
That is just because I was taking care of guest and I was so busy that I was not being able to study. Now I finally got the time and today is Sunday and I have just 2 days in which I have to prepare lot of stuff. So basically whole Saturday day was not used and I was also not being able to record anything just because I was so busy. And I was so tired that I was not being able to do anything. So, ये basically रात के 12 बज रहे हैं. टुडे वॉज द डे ऑफ संडे और वो भी वेस्ट हो गया. बस कवर कर लूँ. मैंने ऑपरेटर्स की एक जो थी PDF वो किए. द रीज़न वॉज आई वॉज बिजी वॉज इन टेकिंग केयर ऑफ गेस्ट एंड दिस एंड दैट एंड सो मच स्टफ. बट खैर इंशाल्लाह अभी ये दो कम्प्लीट करती हूँ. कल मैं इंशाल्लाह लाइब्रेरी जाऊँगी. लाइब्रेरी जाके मैं सारा जितना स्टफ है फिर दोस्त दिस एंड दैट आई विल कम्प्लीट इन इंशाल्लाह. इस वक्त 2 बज रहे हैं और मैं अभी अपना नाश्ता करूँगी एंड देन आई विल बी लीविंग फॉर लाइब्रेरी. आई हैव just one day left for exam. Inshallah I will be studying hard. Hey everyone, assalamu alaikum. So basically right now I'm heading for library and tomorrow is my exam. I will be studying hard and today is the only day I have in which I have to cover lots of stuff. And tomorrow inshallah I will be doing best in my exam. So let's go. इतना ज़्यादा स्टफ़ है ना कि मेरे से घर में कवर ही नहीं हो रहा एंड आई ऑलरेडी वेस्टेड लॉट्स ऑफ टाइम एंड नाउ आई विल बी लीविंग बिकॉज देयर इज नो वे आई कैन कवर दिस. सो लेट्स गो. फॉरगेट माय कीज. क्यूट है. मुझे ऑब्सेशन है स्लाइड से. मुझे वजह नहीं पता. राइट नाउ आई एम डन विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑस्पी एंड देयर इज अ हेल ऑफ स्टफ. देयर इज टू मच स्टफ लेफ्ट फॉर द प्रैक्टिकल. और अभी आके मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी कर लिया बट नहीं किया हुआ. एंड स्टिल आई हैव टू डू द पास्ट पेपर्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ फिरदौस एज वेल. एंड इस वक्त रात के बल्कि शाम के 6 बज रहे हैं. मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है सो आई हैव टू कवर दिस ऑल स्टफ इन दिस टाइम. सो बस राइट नाउ हेडिंग बैक टू द होम. और सिर्फ जो मेरा रहता है वो करना है. मैंने पास पेपर्स करने हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल्स करने हैं. बाकी मैक्सिमम स्टफ इज डन. और फिजियो वैसे भी आसान होती है सो दैट इज़ नॉट द इशू इवन. सो लेट्स गो टू द होम. दिस मून इज क्यूट. This moon is pretty. Right now I am doing my nashta and now I will be heading for a college. I'm getting late. So Allah ka lakh lakh shukr hai ki aaj fog nahi thi. Isi wajah se I am heading to the college by my own self. Aur time thoda hai aur meri prep abhi kafi rehti hai. Maine thode se past papers rehte hain aur practical jo OSPI ke liye hain wo rehte hain. Wo sare main karungi. Is waqt subah ke 7:30 baj rahe hain. और रश नहीं है. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. खैर लेट्स सी हाउ टुडे वाइबा विल गो बिकॉज
जस्ट लाइक द प्रीवियस वाइवा द फर्स्ट मंथ वॉज एनेटमी, जिस तरह मेरी उसमें प्रेप नहीं थी इसी तरह मेरी इसमें भी प्रेप नहीं है. सो लेट्स सी हाउ इट विल गो, लेट्स गो. पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है शायद मैंने रिटर्न में इतनी इतना पढ़ा, इतना स्ट्रेस लिया कि मेरे से वाइवा वाली हिम्मत नहीं है. और इस दफा वाइवा जो है ना वो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रेस एंजाइटी कम एडवेंचर ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि वो बिल्कुल ही मोटरवे पे जाके उधर से बाहर हम लोग कैंपस में जाते हैं वहां देते हैं. सो दैट इज द रीजन. कितनी पुरसकून रोड है ना, मतलब कोई ट्रैफिक, कोई शोर, कोई मतलब मैं क्या, हर कोई मेरे ख्याल से ट्रैफिक से इन चीजों से बहुत तंग होता होगा. मतलब कितनी पुरसकून है, पुरसकून. ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाती हो ना कि आपको लगता है कि आप मेरे से वाइवा ले गए हैं, आपको लगेगा कि मुझे सब आता है, ठीक है, हालांकि मुझे कुछ नहीं आता होगा, ठीक है, उड़ी हुई होगी. ये मेरा कॉन्फिडेंस लेके आप जा रहे हैं. उसके बाद इंटरनल का, एक्सटर्नल का भी अच्छा हो गया, इंटरनल का भी अच्छा हो गया. एक्सटर्नल में साथ वाले ने मुझे बचा लिया क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था. इंटरनल में यू नो तालुका अलैकुम सर, वालेकुम सलाम, ओके सर, बच गए. और ऑस्पी और प्रैक्टिकल, ऑस्पी ईजी थी, प्रैक्टिकल भी मेरे पे ईजी आया था, अलग अलग खास मेहरबानी है. तो डन फिजियोलॉजी. सो नाउ वी आर फाइनली फ्री विद फिजियोलॉजी आफ्टर 2 ईयर्स. हाँ, नो मोर गाइडेंस, नो मोर फिरदौस, नो मोर प्रैक्टिकल कॉपी, नो मोर. एक्सटर्नल का भी अच्छा हो गया. एक्सटर्नल ने मेरा सारा रीनल से सुना है और इतना सुना है ना रीनल से कि मैं बता नहीं सकती. मुझे सिर्फ एक ड्रॉप क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वाला, एक्सटर्नल के पास मुझे नहीं आता था, लेकिन बच गए. एक तो बात का क्या है जहाँ पर मेरे साथ वाले के साथ छः छः जा रहे थे, मेरा एक चला गया तो क्या होगा. मेरा कर्ल कौन सा अच्छा आ रहा है, ये वाला कर्ल अच्छा आ रहा है. वैसे 5 नंबर प्रेप के भी मिलते होंगे, नहीं 15 से अच्छा है ना, प्रेजेंटेबल लगो तो अच्छा ही होता सब कुछ. सो बेसिकली माइन इज ऑल्सो डन. एक्सटर्नल ने सुना सारा रीनल से, गाइडन के अंदर से, और मुझे हाफ आता था, सिर्फ और हाफ, सारा नहीं आता था. और जो मेरे साथ था उसको भी हाफ, मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम ही था. तो ये है कि वो वाला इशू नहीं हुआ. इंटरनल ने जितना सुना है ना वो सारा ऑलमोस्ट आता था. इंटरनल का बहुत अच्छा हुआ, ऑस्पी भी अच्छी होगी, प्रैक्टिकल भी अच्छा हो गया. तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला वाइवा पास है. ऑल्दो मैंने तैयारी नहीं की थी, बहुत मुश्किल से मैंने ऑस्पी उस तरह से तैयारी की, बट इट वेंट रियली रियली नाइस एंड वेल अल्हम्दुलिल्लाह. रिमशा आपका वाइवा कैसा हुआ है? मेरा एक्सटर्नल के पास सही था एंड में मैंने खच मार दी, ठीक है, और इंटरनल के पास सही था लेकिन उन्होंने डिटेल में वाइवा लिया जिसमें मैंने 2-3 दफ़ा और खर्च मारी है. साथ में मेरा वाइवा भी, वो प्रैक्टिकल भी चेक कर रहे थे, तो हो गया डन विथ फिजियो. मतलब आफ्टर ऑल 2 साल बाद फिजियो गार्डन से जान छोड़ी, फिर दोस्त से पढ़ी थी, गार्डन से नहीं पढ़ा. गुड. एक्सटर्नल का अच्छा हो गया? हाँ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया. ऑस्पी हाँ, एंड में मैंने थोड़ी सी की थी प्लेसेंटा में, वो मैंने बाद में भी की थी प्लेसेंटा में. ऑस्पी और प्रैक्टिकल कैसा हुआ है? ऑस्पी का मेरी तो मेरे से अच्छी हो गई, लेकिन अगर वो बीच में नंबर मुझे सही देते तो फिर ठीक होगा सीन. मतलब कोई टॉप शॉप वाला, कोई डिस्टिंक्शन वाला सीन है? या दुआ करो मिल जाएगा सबसे, यहाँ पर तो पास करने के लाने पड़े. सो राइट नाउ वी आर डन विद एनाटॉमी एंड नाउ वी आर हेडिंग टू एक्सप्लोर द कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड नाउ वी आर इन अ वे टू फाइंड अ कैफेटेरिया टू गेट सम फूड. बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए हैं, दैट व्हाट इट मैटर्स अ लॉट. हम हर कहते कहते अच्छे नहीं, वो होते कौन?
मेहनत पे पहुंच जाना है। नहीं Allah Hafiz everyone, take care of yourself. Allah Hafiz.